कहते हैं जब जर्मनी में यहूदियों को गैस से मारा जा रहा था, भट्टियों में उनके शवों को झोंका जा रहा था, हिटलर एप्स की पहाड़ियों पर बने अपने महल में कुत्तों के साथ छुट्टियां मना रहा था। जब तय हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हारेगा, हिटलर ने एक फरमान जारी किया कि सब कुछ जला दो ताकि दुश्मन सेनाएं किसी चीज का इस्तेमाल न कर सकें। हिटलर के इस फरमान को नाम दिया गया नीरो डिक्री। नीरो, इस शब्द को सुनते ही या इस नाम को सुनते ही छवि आपके दिमाग में उभरती है, जलता हुआ रोम, चीख पुकार मचाते हुए लोग और दूर अपने महल में छत से बांसुरी बजाता नीरो। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी रोमन सम्राट नीरो की। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर एडवर्ड चैम्पलिन ने नीरो पर एक किताब लिखी है, शीर्षक है नीरो। चैम्पलिन लिखते हैं, सम्राट नीरो को नाटक में हिस्सा लेने का बड़ा शौक था। मंच पर जब वो पुरुष का किरदार निभाता तो अलग अलग मुखौटों का इस्तेमाल करता, किरदार में पूरी तरह डूब जाता, लेकिन महिला किरदार निभाने की बारी आती तो वो एक खास मुखौटा लगाता जो दिखने में उसकी पत्नी सबीना के जैसा था। पोपिया सबीना, ये नीरो की दूसरी पत्नी थी। रोमन इतिहासकार कैशियस डियो के अनुसार सबीना की जब मौत हुई वो गर्भवती थी। सबीना नीरो से नाराज थी क्योंकि नीरो उसे वक्त नहीं देता था। पत्नी के लगातार शिकायत से एक रोज नीरो को गुस्सा आया और उसने सबीना के पेट पर लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सबीना की मौत से नीरो को गहरा आघात लगा। पश्चाताप में उसने आदेश दिया कि सबीना की शव यात्रा पूरे शाही सम्मान से निकाली जाए। उसके पार्थिव शरीर को तमाम लेप लगाए गए और फिर उसे दफना दिया गया। मौत के बाद नीरो ने सबीना को देवी का स्थान दे दिया। इसके बाद नीरो ने दो शादियां और की, जिनमें एक शादी तो ऐसी थी जिसकी रोमन इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। सबीना की मौत के एक साल बाद एक रोज नीरो की नजर एक लड़के पर पड़ी जिसका चेहरा उसकी पूर्व पत्नी से मिलता था। नीरो ने आदेश दिया कि उसके अंडकोश निकालकर उसे नपुंसक बना दिया जाए। उसे लड़कियों के कपड़े पहनाकर नीरो के सामने पेश किया गया। नीरो ने उसे स्पोरस नाम दिया। ग्रीक भाषा के शब्द का अर्थ होता है बीज। ये नाम रखने के पीछे नीरो का आशय था कि स्पोरस बच्चे नहीं पैदा कर सकता। नीरो जहां भी जाता स्पोरस को अपने साथ रखता और कई बार भरे दरबार में सबके सामने उसे चूम लेता। नीरो यहीं नहीं रुकता था। एक रोज उसने ऐलान किया कि वो स्पोरस से शादी भी करेगा। पूरे रीति रिवाज से शादी हुई और स्पोरस नीरो की मौत के दिन तक उसके साथ रहा। नीरो की मौत 68 ईस्वी में हुई थी। 16 साल की उम्र में सम्राट बनने के बाद वो केवल 30 वर्ष की उम्र तक जिंदा रहा। इतिहासकारों के अनुसार उसके शासन के पहले 5 साल बहुत अच्छे थे। उसने रोमन सीनेट को आज़ादी दी और सुधार लागू किए, सड़कें बनवाई, पानी पहुंचाया, तमाम वो काम किए जो कोई अच्छा शासक करता है। फिर भी नीरो को रोमन इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक गिना जाता है। रोम जला, बांसुरी बजी, लेकिन इस बांसुरी के सुर कैसे तैयार हुए? इस सवाल का जवाब विलियम वर्ड्सवर्थ की कृति में मिलता है आपको, जिसका नाम है अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नीरो का बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा था। हालांकि उसकी नसों में रोमन सम्राटों का खून था, वो जूलियस सीजर के वंश का था। जूलियस सीजर ने एक औलाद को गोद लिया था, ऑगस्टस, जो आगे जाकर रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट बना। नीरो ऑगस्टस का पड़पोता था। नीरो जब पैदा हुआ तब रोम पर सम्राट कैलिगुला का शासन था। कैलिगुला ने नीरो की माँ अग्रिपीना का सब कुछ छीनकर उसे देश से बाहर भेज दिया। नीरो की परवरिश गवैयों, कवियों और अदाकारों के बीच हुई। सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन रोम में कलाकार सबसे निचले दर्जे के लोग माने जाते थे, इसलिए नीरो को वैसा बचपन नहीं मिल पाया जिसका वो खुद को हकदार मानता था या जैसा उस टाइम पे उसे लगता था कि नॉर्मल बच्चों को मिलता है। नीरो की जिंदगी में बदलाव आया जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। वक्त ने करवट ली। कैलिगुला के बाद रोमन सत्ता क्लॉडियस के हाथ में आई। मौका देखकर नीरो की माँ अग्रिपीना ने क्लॉडियस से शादी की और सत्ता में साझेदार बनी। उसने नीरो की शादी करवाई ऑक्टेविया से। ऑक्टेविया क्लॉडियस की बेटी थी। इस तरह उसने पक्का कर दिया कि क्लॉडियस के बाद सत्ता उसके बेटे को ही मिलेगी। नीरो को सत्ता मिली भी 54 ईस्वी में क्लॉडियस की मौत के बाद। एक दफा ये भी किया जाता है कि नीरो को राजा बनाने के लिए अग्रिपीना ने क्लॉडियस को जहरीले मशरूम खिलाकर मार डाला था। अग्रिपीना को इतिहासकारों ने एक शातिर महिला करार दिया है, लेकिन वक्त के हिसाब से देखें तो उसने वो सब कुछ किया जो कोई भी पुरुष शासक करता।
नीरो के दौर में अग्रिप्पिना ने सारी शक्ति अपने हाथों में जुटा ली। अग्रिप्पिना इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उस दौर में जो सिक्के छापे गए उसमें एक तरफ नीरो की तस्वीर होती तो दूसरी तरफ उसकी माँ अग्रिप्पिना की। अग्रिप्पिना ने सत्ता को लंबे वक्त तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर यही बात उसके अंत का कारण भी बनी। कहानी कहती है कि नीरो अपनी शादी से खुश नहीं था, उसने अपना ज्यादातर वक्त सर्कस, दौड़ या खेलों में देना शुरू किया। चैंपलिन अपने किताब में लिखते हैं, नीरो खेलों का आयोजन करता और खुद भी इनमें हिस्सा लेता। एक बार रथों की दौड़ में हिस्सा लेते हुए वो बीच में रथ से गिर पड़ा, लेकिन फिर भी विजेता नीरो को ही घोषित किया। बाकी सभी खेलों में भी उसे ही विजेता बनाया जाता था। सुनने में कुछ कुछ आपको ये वैसा लग सकता है जैसा साशा बैरन कोहेन की एक फिल्म है द डिक्टेटर, उसमें होता है। नीरो जब नाटक में कोई पात्र निभाता और अगर पात्र को बेड़ियों से बांधा जाना होता तो नीरो के लिए सोने की बेड़ियां मंगवाई जाती थी। नीरो पत्नी से बेरुखा बर्ताव करता था। उसके इस बर्ताव से ऑक्टेविया काफी दुखी थी। जल्दी उसे पता चला कि नीरो की एक दूसरी महिला के साथ भी संबंध है। सम्राट का गैर महिलाओं के साथ संबंध रखना तब आम बात थी, लेकिन नीरो उस महिला के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसने ऑक्टेविया को तलाक देने की ठानी। इस घटना ने रोमन पब्लिक के बीच नीरो की छवि पर एक बड़ा असर डाला। लोग ऑक्टेविया से सहानुभूति रखते थे, इसलिए ये बातें रोमन सीनेट में भी उठी। नीरो की खुद की मां ने उसका विरोध किया। चीजें अचानक ऐसी बदली कि नीरो आग बबूला हो उठा। उसने न सिर्फ ऑक्टेविया को तलाक दिया बल्कि अपनी मां को मरवाया। उसने ऐसी नाव बनवाई जो समंदर में जाते ही डूब जाती। इसमें बैठा कर उसने अपनी मां को पानी की यात्रा पर भेजा। किस्मत से अग्रिप्पिना बच गई, लेकिन नीरो ने अपने सैनिक भेजकर उसे मरवाया ही मरवाया। नीरो के बारे में कई इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि उसकी मां से उसके सेक्सुअल संबंध थे। जब रोम के सैनिक अग्रिप्पिना को मारने पहुंचे, उसने अपने पेट की ओर इशारा करके कहा, यहां मारो खंजर, यहां शैतान पला है। इससे एक आशय यह निकलता है कि अग्रिप्पिना के पेट में नीरो का बच्चा था। हालांकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अग्रिप्पिना का आशय शायद ये रहा हो कि खुद नीरो उसकी कोख से पैदा हुआ था, इसलिए वो अपने पेट की ओर इशारा कर रही थी। अग्रिप्पिना की मौत के बाद क्या हुआ? मां की हत्या करने के बाद भी नीरो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगला नंबर ऑक्टेविया का आया। ऑक्टेविया को पहले रोम से निष्कासित किया गया। जब जनता ने इसका विरोध किया, नीरो ने गुस्से में ऑक्टेविया की भी हत्या कराई। यहां से नीरो की कहानी वहां जाती है जहां से हमने शुरुआत की। नीरो ने जिस महिला के लिए पत्नी और मां को मरवाया था उसका नाम था पोपिया सबीना। रोमन इतिहासकार टेसिटस के अनुसार सबीना नीरो के बच्चे की मां बनने वाली थी, जबकि ऑक्टेविया से उसे लंबे समय से औलाद हो नहीं रही थी। इसी कारण वो ऑक्टेविया से अलग भी होना चाहता था। ऑक्टेविया के बाद उसने सबीना से शादी की, लेकिन कुछ साल बाद उसने गुस्से में सबीना की भी जान ले ली। टेसिटस के अनुसार सबीना की मौत ने नीरो को मानसिक अवसाद में डाला। धीरे धीरे वो सनकी होता चला गया। अगर पानी भी दिया जाता तो पहले वो उसे गर्म करवाता और फिर बर्फ में गिलास रखकर पानी को ठंडा करवाता, तब उसे पीता। नीरो दिन भर खेलों में डूबा रहता या पोशाक पहनकर मंच पर चढ़ जाता, घंटों अभिनय करता। नाटकों की कहानियां भी ऐसी जो सिर्फ त्रासदी से भरी होती। हालांकि कल्पना में डूबे नीरो की जिंदगी में असली त्रासदी आई सन 64 ईस्वी में। आग लगी या लगाई गई ये पक्का नहीं है, लेकिन आग लगी जरूर, और ऐसी लगी कि रोम को जलाकर खाक कर दिया उसने। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर जल गए, और इस घटना ने जन्म दिया एक कहावत को, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक मत यह है कि नीरो ने खुद रोम में आग लगाई थी। सुटोनियस और कैशियस डियो नाम के दो रोमन इतिहासकारों के अनुसार आग लगाने के बाद एक नीली पोशाक पहनकर नीरो एक ऊंचे स्थान पर गया जहां से आग का नजारा सबसे बेहतर दिखाई देता था। इसके बाद उसने लायरे नाम का एक वाद्य यंत्र निकाला और उसे बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। सुटोनियस के अनुसार नीरो ने आग लगाई क्योंकि वो अपने लिए एक नया महल बनवाना चाहता था, जिसे उसने बाद में गोल्डन पैलेस का नाम दिया। हालांकि तीसरे इतिहासकार टेसिटस के अनुसार इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। टेसिटस के मुताबिक ये बात महज अफवाह थी। जब आग लगी, नीरो खुद मदद के लिए आगे आया। उसका खुद का महल आग की चपेट में था, इसके बावजूद उसने लोगों को अपने यहाँ शरण दी। टेसिटस नीरो के वक्त में खुद भी रोम में मौजूद था, इसलिए कई मॉडर्न इतिहासकारों का मानना है कि उसकी बात ज्यादा प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। इसके बरक्स सुटोनियस और कैशियस डियो ने नीरो की कहानी बाद में जाकर लिखी। नीरो का नाम आग और बांसुरी के साथ इसलिए भी जुड़ गया क्योंकि आगे जाकर जब ईसाई बहुमत में आए, उन्होंने नीरो को इस घटना का जिम्मेदार माना।
नीरो की आग का सबसे बुरा अंजाम ईसाइयों ने ही भुगता था। आग की घटना से जनता आग बबूला थी। सवाल उठा कि दोषी कौन, तो नीरो ने ये इल्ज़ाम ईसाइयों के मत्थे मार दिया। ईसाई अल्पसंख्यक थे वहाँ, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया, सरेआम फांसी हुई, भूखे भेड़ियों के आगे जिंदा डाल दिया गया। ये सब करने वाले नीरो का पतन कैसे हुआ? एक आम धारणा यह भी है कि आग की घटना के कारण नीरो रोम की जनता में विलन बना, लेकिन असलियत में एक दूसरी घटना नीरो के खात्मे का कारण बनी। रोमन साम्राज्य में अलग अलग सूबों को गवर्नर कंट्रोल करते थे। नीरो के समय में फ्रांस का एक गवर्नर होता था जिसका नाम विंडेक्स था। नीरो की नीतियों से तंग आकर विंडेक्स ने सन 68 ईस्वी में विद्रोह किया। साथ ही ऐलान कर दिया कि स्पेन का गवर्नर गल्बा नीरो का विरोधी है और उसे समर्थन देता है फ्रांस वाले को। गल्बा बेचारा नीरो से लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन विंडेक्स ने उसे भी फंसा दिया बयान देकर। नीरो ने पहले विंडेक्स को हराया और फिर गल्बा के पीछे पड़ा। गल्बा ने अपनी रक्षा के लिए दूसरे सूबों का समर्थन जुटाया और धीरे धीरे रोमन फौज के एक बड़े धड़े को नीरो के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। कुछ मिलिट्री कमांडर्स ने रोम तक जाने वाली रसद सप्लाई रोक दी। रोम में जैसे ही चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हुए, लोग भी नीरो के विरोध में आकर खड़े हो गए। यही विरोध बढ़ता गया और जल्द ही रोमन सेनेट तक पहुंचा। रोमन सेनेट ने एक सभा बुलाकर नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया और ये घोषणा नीरो के डेथ वारंट पर दस्तखत के समान थी। जब नीरो तक ये खबर पहुंची, उसने जान बचाने के लिए भागने की ठानी। कई दिनों तक वो दर दर भटकता रहा। एक रोज जब थक हार कर एक घर में पहुंचा, उसने स्पोरस से पूछा, पकड़े जाने पर मेरे साथ क्या होगा? स्पोरस ने जवाब दिया, आपको नंगा रोम की सड़कों पर घसीटा जाएगा, लोग कोड़े मारेंगे और फिर एक पत्थर से बांधकर आपको पहाड़ी से फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर नीरो ने तय कर लिया कि इससे बेहतर अपनी शर्तों पर मरना होगा। नीरो ने अपनी शर्तों पर ही मरना चुना भी। मौत के समय उसके आखिरी शब्द थे क्वालिस आर्टिफेक्स पेरियो, जिसका मतलब था मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूँ। और इस तरह ख़त्म हुई उस रोमन सम्राट की कहानी जिसे नाटक में भाग लेने का शौक़ था और उसकी ज़िंदगी भी एकदम नाटकीय गुजरी। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।